डियर फ्रेंड्स, आज टेक्निकल चर्चा में बात करेंगे आज गैस डिटेक्टर के कनेक्शन, एलपीजी गैस डिटेक्टर कनेक्शन के बारे में। तो ये देखिए अपना अग्नि का इको फोर जोन फायर अलार्म पैनल के साथ में इसको कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। ये आपका डिटेक्टर का मॉडल नंबर बताता हूँ, ये है एलपीजी गैस डिटेक्टर और मॉडल नंबर है GD625L। तो मैं इसका कनेक्शन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें है देखिए सर, इसमें L2 है, L2 प्लस हो जाएगा पावर की। पावर हम 12 वोल्ट या 24 वोल्ट कोई भी दे सकते हैं। L2 प्लस और L1 इन माइनस हो जाएगा। ये L2 प्लस सप्लाई की और L1 इन माइनस हो गया। इसको हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। ये रेड हो गया, अपन 24 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं, ये रेड 24 वोल्ट हो गया। लोग 24 वोल्ट प्लस और ब्लैक हो जाएगा इसका नेगेटिव 24 वोल्ट। ठीक है सर, ये हो गया आपकी सप्लाई का। इसके बाद हम उसको जोन का कनेक्शन करते हैं। इसमें दो टर्मिनल, सॉरी ये दो टर्मिनल है, L1 आउट और R माइनस। तो ये एक तरह से कॉन्टेक्ट है CNO, तो किसी को हम C किसी को NO बना सकते हैं। तो सपोज हमने L1 आउट को हम जोन प्लस बना देते हैं और R माइनस को जोन की माइनस। तो R माइनस जोन की माइनस को हम डायरेक्ट लगा देंगे और जोन की जो प्लस है उसमें 1K का रेजिस्टेंस लगा देंगे, क्योंकि ये एक रिले है, कॉन्टेक्ट है, तो फायर करने के लिए 1K रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो इसमें हमने 1K का रेजिस्टेंस लगा दिया, जोन प्लस का हो गया। तो इस तरह से देख लीजिए आप, L2 सप्लाई की प्लस है और L1 इन माइनस है, और इसके बाद L1 आउट जोन प्लस है और R माइनस जोन की नेगेटिव है। ठीक है, इस तरह से आपने हमने येलो इससे इसमें पैनल में भी इसका कनेक्शन कर देंगे जोन में। ये आपको सप्लाई होगी और ये है जोन के कनेक्शन डिटेक्टर में। अब हम डिटेक्टर को इंस्टॉल करते हैं इसमें। देखिए तो आप इसे देख रहे हैं, ये एक्टिवेट हो गया। जब हम इसको आप जब इसके चैम्बर में यानी इसके चैम्बर में एलपीजी गैस आएगा, एंटर करेगा इसके एरिया में, रेंज में, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।